आपने विंडोज़ में तो फाइल को बहुत ही आसानी से एक्सेस किया होगा, पर यही फाइल को जब हम लिनक्स में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने वाले हैं और लिनक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ हमें सबसे पहले समझना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम अनऑर्गेनाइज चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो उसी को हम स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अब दूसरी टर्म आती है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम हम किसे कहते हैं? तो एक डिस्क ड्राइव या पार्टीशन पर फाइल के स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन को ही हम फाइल सिस्टम कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि मैं करंटली रूट डायरेक्टरी में हूँ। अब मैं इससे पिछली डायरेक्टरी में जाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कोशिश करी पर आप देख सकते हो मैं फिर से रूट डायरेक्टरी में आ गया। इसका क्लियरली यही मीनिंग है कि सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब कि फाइल सिस्टम की हायरार्की यहीं से शुरू होती है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इसी में सभी फाइल्स एंड डायरेक्टरी हैं जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है और साथ साथ अलग अलग यूजर्स और फाइल्स मैनेज होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं यूजर इंटरफेस में भी वही सारी फाइल्स देख पा रहा हूँ जो मैं अपने टर्मिनल में देख पा रहा हूँ। यहाँ सिर्फ रूट यूजर ही चेंजेस कर सकता है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ एक नॉर्मल यूजर की तरह। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली परमिशन डिनाइड आ गया है। इसका मतलब मैं नॉर्मल यूजर हूँ और मैं नहीं कर सकता। अब मैं एक रूट यूजर बनकर करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसके लिए सूडो यूज करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई परमिशन डिनाइड का ऑप्शन नहीं आया है और आप क्लियरली देख सकते हो कि वो फाइल क्रिएट हो गई है। ये रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है जिसे सिर्फ वही एक्सेस करता है, यहाँ पे वही चेंजेस कर सकता है। ये पहले नहीं हुआ करती थी बट इसको बाद में ऐड किया गया है। तो मैं रूट यूजर की डायरेक्टरी में चला जाता हूँ और मैं आपको एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। अब मैं यहाँ एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ एज ए नॉर्मल यूजर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर परमिशन डिनाइड आ गया। अब मैं इसे एज अ रूट यूजर ट्राई करूंगा, तो उसके लिए मैं सूडो यूज करूंगा। अब यहाँ ये बिना किसी परमिशन एरर के फाइल क्रिएट हो गई है। आप देख सकते हो ये फाइल यहाँ पर विजिबल है। होम डायरेक्टरी। इस होम डायरेक्टरी के अंदर नॉन रूट यूजर्स की होम डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करती हैं। इस डायरेक्टरी में सिस्टम बाइनरीज यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। यहाँ पर एसेंशियल कमांड्स एंड बेसिक्स कमांड जैसे कि ls, pwd, cd, मूव एक्सेट्रा की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो हमारे सिस्टम के बेसिक फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। ये बाइनरीज सभी यूजर्स के लिए होती हैं और सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। sbin, इसका मतलब होता है सिस्टम बाइनरीज। यहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बाइनरीज एग्जिस्ट करती हैं। नॉर्मल यूजर्स यूजली इस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते, इस डायरेक्टरी के कमांड्स को एक्सेस नहीं कर सकते, बट सिर्फ सुपर यूजर ही इसे यूज कर सकता है, सुपर यूजर यानी कि रूट यूजर। इस डायरेक्टरी की बाइनरीज जो होती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करता है अपने सिस्टम मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है if config, fdisk, int, shutdown, system, lib यानी कि लाइब्रेरी। इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स होती हैं वो किसी एप्लीकेशन कमांड या किसी प्रोसेस के प्रॉपर एग्जीक्यूशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि सिस्टम को बूट करना हुआ या फिर किसी कमांड को रन करना हुआ। यहाँ पे लाइब्रेरी 32 एंड लाइब्रेरी 64 बिट भी होती है जो कि 32 एंड 64 बिट के प्रोसेस के प्रॉपर एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है। इन हेल्पिंग फाइल्स के लिए SO का एक्सटेंशन यूज किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है शेयर्ड ऑब्जेक्ट। टेम्प मीन्स टेम्पररी। इस डायरेक्टरी के अंदर टेम्पररी फाइल्स स्टोर होती हैं जो यूजर्स या सिस्टम ने क्रिएट की होती हैं और ये सब सिस्टम रिबूट होने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाती हैं। यूजर, ये एक क्रिटिकल डायरेक्टरी होती है लिनक्स सिस्टम की। यहाँ जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं उनकी लाइब्रेरीज, बाइनरीज यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड रहते हैं और इसमें जो भी सिस्टम फाइल्स होती है वो बाकी यूजर्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ जो लोकल डायरेक्टरी है इसमें यूजर्स जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो यहीं पे स्टोर्ड होती है। अब यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल किया है उसे आप ही यूज कर सकें तो इसके लिए प्रोग्राम को अपनी होम डायरेक्टरी में जाकर इंस्टॉल करना चाहिए। इस डायरेक्टरी में वो सभी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं जिसकी सिस्टम को बूटिंग के समय जरूरत होती है। ऑप्ट यानी कि ऑप्शनल। इसमें एड ऑन एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं जो किसी थर्ड पार्टी वेंडर से मिलते हैं और जो कि वाइडली एक्सेसिबल होते हैं। यहाँ हमारे पास पावर शेल अवेलेबल है। डेव यानी कि डिवाइस। सिस्टम से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उनके लिए स्पेशल फाइल्स यहाँ पर होती हैं। हर डिवाइस को एक फाइल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है जैसे कि बी एंड सी। सी मीन्स कैरेक्टर डिवाइस एंड बी मीन्स ब्लॉक डिवाइस। कैरेक्टर डिवाइस में जो डेटा होता है
वो बाइट्स में फ्लो करता है, और ब्लॉक डिवाइस में जो डेटा होता है वो ब्लॉक्स ऑफ बाइट्स में फ्लो करता है। कैरेक्टर डिवाइसेस के एग्जांपल हैं कीबोर्ड, माइक एंड साउंड कार्ड्स। वहीं पे ब्लॉक डिवाइसेस के एग्जांपल हैं हार्ड डिस्क, जैसा कि हम अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। जब किसी प्रोग्राम को कोई डिवाइस यूज करनी होती है, जैसे प्रिंटर, तो वह प्रोग्राम उससे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं करता है। वह सबसे पहले डेव डायरेक्टरी में करेक्ट डिवाइस फाइल को फाइंड करके उससे इंटरेक्ट करता है, और प्रोग्राम से मिले हुए इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमें प्रिंट करना है, उसको पास कर देता है। एंड ये डिवाइस फाइल मिडिलमैन की तरह काम करती है, डिवाइस ड्राइवर से कॉन्टेक्ट करती है। डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को समझता है और उनको स्पेसिफिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जो कि हार्डवेयर समझता है, और उन कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है, जिससे वह डिवाइस हमारे काम करने लगती है। यह डायरेक्टरी कंट्रोल पैनल की तरह काम करती है। यहाँ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स स्टोर्ड होती हैं, और यहाँ स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स और बाकी सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है, जैसे कि सूडोवर्स, पासवर्ड, वार यानी कि वेरिएबल। इसमें वो सब फाइल स्टोर होती हैं जिन्हें सिस्टम अपने ऑपरेशंस के समय क्रिएट करता है। इस डायरेक्टरी में वेरिएबल डेटा होता है, जैसे कि लॉग्स, मेल, टेम्पररी फाइल्स और बाकी जो भी डायनेमिकली चेंजिंग डेटा होता है, वो सब यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लॉग नाम की एक डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी में सभी लॉग फाइल्स होती हैं, और यहाँ पे कैश नाम की भी डायरेक्टरी है, जहाँ सभी एप्लीकेशन का कैश डेटा स्टोर्ड रहता है। मीडिया, इस डायरेक्टरी में जब हम रिमूवेबल मीडिया, जैसे कि यूएसबी ड्राइव्स, सीडीज, डीवीडीज, इन सबको कनेक्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाती है और हम उसके कंटेंट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बट हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है, क्योंकि इस समय मेरी वर्चुअल मशीन से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये सब ब्लैंक शो हो रहा है। रन, इस डायरेक्टरी में वॉलेटाइल रन टाइम डेटा स्टोर्ड होता है। जब से हमने सिस्टम को स्टार्ट किया होता है, तब से ये डेटा स्टोर्ड हो रहा होता है, और ये डेटा क्लियर हो जाता है रिबूट के साथ, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो टेम्पररी होता है। ऐसे ही और क्विक एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना ना भूलें।